हालत क्या हो गया एक्सीडेंट से? शायद रात में हुआ है ऐसा घटना, क्या कुछ हुआ है जानकारी भी लेने का प्रयास करते हैं। पहले यहाँ का पूरा सिचुएशन आपको, कैसे ये इंसिडेंट हो गया, कब हुआ था सर, कब की घटना है? सर ये सुबह 7 बजे हुआ था। सुबह 7 बजे की घटना है जी। रात्रि की घटना है क्या? गाड़ी मेरा नहीं है, मार्केट से लिया हुआ है। अच्छा, मेरे थ्रू लगता है गाड़ी। आपके थ्रू लगता है? तो सुबह सुबह का समय तो जैसे ड्राइवर को, सुबह में तकरीबन 5:30 बजे के आसपास में ड्राइवर से बात हुआ था, उससे मैं वो टोल नाका पास। बाइक भी है? बाइक भी हुआ था। दो को बाइक भी। बाइक वाला को कुछ नुकसान हुआ? नहीं नहीं सब ठीक है। सब ठीक है। अभी नहीं था, अभी आए हैं। अभी आए हैं, कौन बताएंगे सर, कौन इनके बारे में जानकारी? पहले थे जो ड्यूटी में ही बताएंगे, क्योंकि हम तो अभी आए हैं। जोहार, नमस्कार। रामगढ़ का घाटी मानो यमदूत का घाटी बन चुका है। मैं इसलिए ऐसा बोलता हूँ बार बार क्योंकि देख सकते हैं कि गाड़ी का हालत क्या हो गया एक्सीडेंट से। शायद रात में हुआ है ऐसा घटना, क्या कुछ हुआ है जानकारी भी लेने का प्रयास करते हैं। पहले यहाँ का पूरा सिचुएशन आपको दिखाते हैं कि घटना कैसे हुआ, गाड़ी कहाँ से आ रहा था, उसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे पूरा। पहले आप देखेंगे इस गाड़ी का दृश्य, देख करके आपको पता चलेगा कि क्या कितनी बड़ी घटना है ये। आप तमाम तरीके से देख सकते हैं कि क्या कुछ हालत पड़ी है गाड़ी का, जो पूरा बॉडी है वो कबड़ के कहीं और चला गया है। ये 407 का वेन है और शायद से सामान लोड था इसमें, देख सकते हैं टोटल सामान जो है सब बिखरा पड़ा है, शायद दूसरी गाड़ी में लेकर के जाएंगे वो लोग। और इस गाड़ी का जो ट्रेलर है वो देखिए कहाँ पे गिरा है आकर के, ये स्थिति है। रामगढ़ का घाटी में लगातार इस तरह का जो इंसिडेंट देखने को मिलता है, क्या है वजह, क्यों होता है ऐसे, तमाम जो एक नहीं लगभग कई एक्सीडेंट्स ऐसा दिखा चुका हूँ कि ऐसा दृश्य बनता कैसे है। गाड़ी का हालत देखने से पता चलेगा आपको क्या कुछ सिचुएशन है। आप देख सकते हैं पूरा जूम करके दिखाएंगे, सिचुएशन को दिखाएं कैसे लकड़ी जो गाड़ी का जो ट्रेलर जहां लगा होता है वो कैसे टूट करके अलग हुआ है। और शायद से प्रशासन भी है यहां पे, पूछने का प्रयास करेंगे क्या कुछ सिचुएशन हुआ, कैसे कुछ हुआ, सर लोग से ही बातचीत करते हैं। कैसे ये इंसिडेंट हो गया, कब हुआ था सर, कब की घटना है? सर ये सुबह 7 बजे हुआ था। सुबह 7 बजे की घटना है जी, रात्रि की नहीं? नहीं, सुबह 7। ये गाड़ी रांची से आ रही थी कि रामगढ़ की ओर? ये तो मालूम नहीं हमको, ये बाद में जब हम लोग पता चला थाना में, तब हम लोग थाना से आए थे गेस्ट से। अच्छा सर हैं, सर से भी बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इंसिडेंट को भी दिखाएं गौर से। सर हैं बैठे हुए, सर कैसे घटना हो गया ये? हम तो अभी नहीं थे, अभी तो अभी आए हैं। अभी आए हैं, कौन बताएंगे सर, कौन इनके बारे में जानकारी? पहले थे जो ड्यूटी में ही बताएंगे, क्योंकि हम तो अभी आए हैं ड्यूटी में। अच्छा, आपको कुछ बता के नहीं गए कैसे ये घटना हो गया? नहीं नहीं घटना नहीं है, नहीं हमको इसकी जानकारी नहीं है, सुबह में घटना घटी है। अच्छा, ड्राइवर वगैरह के बारे में कुछ नॉलेज? ना ड्राइवर वगैरह में नॉलेज नहीं, पहला फोटो लेना है। ड्राइवर वगैरह के बारे में नॉलेज नहीं आपको? हमको नॉलेज है, हम क्योंकि अभी ड्यूटी में हैं, सुबह से ड्यूटी में लगे थे। तो ड्यूटी में आप लोग थे ना सर? कोई बदली हो गया, चला गया, तुरंत आए हैं, 10 बजे आए हैं। अच्छा 10 बजे आए हैं। हाँ, इसके पहले में जो शिफ्ट थे वो लोग कुछ नहीं बता रहे? वो पता चला कि गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, तो फिर हम लोग यहीं पे हैं अभी। मतलब इनमें कोई जान माल का नुकसान? नहीं, जान माल का कोई नुकसान? कोई नुकसान नहीं। चलिए और कुछ जानते हैं थोड़ा सा, वो लोग से जानते हैं क्या कुछ कहाँ का माल वाल था इसमें लोडेड। ये गाड़ी का परखच्चे बोल सकते हैं कि एक तरह से परखच्चे उड़ के अलग हो गया है, देख सकते हैं पूरा सिचुएशन क्या कुछ बना है 407 का ये हालत। और लगातार ये रामगढ़ घाटी में ही क्यों ऐसा होता है, शायद से यहाँ कमी है, चौड़ीकरण हो, ब्रेकर्स हो, क्या कुछ रीजन रहा है, कैसे होता है लगातार। अभी एक 21 साल का ड्राइवर 2 दिन पहले यहाँ पे मौत हुआ है, 2 दिन पहले, कैसे होता है, क्यों होता है, सब कुछ जानेंगे। पहले देखते हैं इस गाड़ी का परखच्चे कैसे उड़ा है, वो चीज़ आप लोग दिखाएं थोड़ा सा जूम करके। ड्राइवर बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल में एडमिट है, देख सकते हैं आगे का बॉडी का हालत क्या हुआ पड़ा है। और ये है 407 का एक वैन, शायद नंबर इसमें लिखा हुआ है J01AW7113, झारखंड की गाड़ी है ये। और पूरा सिचुएशन आप देख सकते हैं, इससे यही पता चलता है कि रामगढ़ घाटी में मानो किसी यमदूत का बास है, जिसके वजह से शायद पर डे एक ना एक एक्सीडेंट देखने को मिलता है। समझ में नहीं आता एक्सीडेंट्स होता कैसे है, और अगर यदि होता है तो इसका रीज़न क्या है, क्या यहाँ पर चौड़ीकरण होना चाहिए, क्या आगे में ब्रेकर होना चाहिए, या फिर ब्रेक फेल हो जाता है, या फिर ड्राइवर नशे में होते हैं, क्या कुछ रीज़न है, थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। कहाँ का ये माल लोडेड था, ये पूरा जो गाड़ी में माल है वो कहाँ से कहाँ जा रहा था, पूछने का प्रयास करते हैं भाई लोग से ही। पूरा मुस्कुरा रहे हैं देख करके। क्या भैया बोलिए, कहाँ का ये माल था सो बताइए पहले। ये रांची से रामगढ़ जा रहा था। रांची से रामगढ़, क्या क्या इसमें लोड है पूरा? ये बरी है, सोयाबीन बरी। हाँ। बहुत ज़्यादा तो लोड नहीं होगा? नहीं ज़्यादा लोड तो नहीं था, हल्का माल था, वही 2.5 टन तो होगा माल। 2.5 टन? कैसे ये घटना पूरा अंजाम कैसे हुआ? ये हम लोग को पता नहीं, हम लोग ये गाड़ी में है, ये 4 बजे या 5 बजे भोर में हुआ। चार बजे या 5 बजे भोर में।
सर लोग बोल रहे हैं कि 7 बजे के लगभग आसपास में हुआ। नहीं, हम लोग को एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है, लेकिन वही टाइम में हुआ, 5 या 6 वैसे ही कुछ में, 5 या 6 में। ड्राइवर वगैरह का हालत बताइए। ड्राइवर का माथा उथान चोट है, वो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में। गाड़ी कहाँ की थी? गाड़ी रांची का ही है। गाड़ी रांची की, मतलब ये जनरल स्टोर का सामान वामान है, दुकान वुकान का? हाँ, ये दुकान का है। रामगढ़ जा रही थी कि कहीं? रामगढ़। इसमें मतलब ये भी 407 है, वो भी 407 है, क्या कुछ ब्रेक व्रेक फेल हुआ था, क्या हुआ था, रीज़न क्या था, कुछ पता होगा आप लोगों को? हम लोग को पता नहीं है सर। कोई पता नहीं? नहीं, हम लोग को पता नहीं सर, कैसे हुआ पता नहीं, ड्राइवर से ही पूछना पड़ेगा। ड्राइवर से ही पूछना पड़ेगा। उस गाड़ी का कोई आदमी यहाँ पे है? कोई भी नहीं है वो गाड़ी में, अभी कोई भी नहीं। हम लोग तो माल सिर्फ ले जाने के लिए आए हैं। माल सिर्फ ले जाने के लिए? मालिक बोला कि जाइए माल लेके आइए। हाँ, हम लोग का है ट्रांसपोर्टर आया हुआ है। अच्छा। ट्रांसपोर्टर अभी उस बगल वाला गाड़ी में खाना खा रहा है। अच्छा, ये गाड़ी का तो पूरा परकच्चे उड़ गया है, पूरा खत्म है कहानी उसका, पूरा खत्म। ड्राइवर बच जाएंगे कि नहीं? वो ड्राइवर का माथा उथा फटा है, ऐसे तो कुछ नहीं होगा, बच जाएगा। बच जाएगा। उसके साथ में और कोई साथी होंगे? नहीं, अकेले रहता है ड्राइवर। ड्राइवर अकेले था? हाँ, खलासी। कोई नहीं? नहीं, कोई नहीं रहता है। सुबह सुबह में गाड़ी एक्सीडेंट कैसे हो गया? सुबह में तो पीता होता नहीं है? नहीं, पीएल नहीं होगा, कोई रस्सा के कारण हुआ है। पीछे से कोई टेलर मारा है इसको, आगे में वो टेलर जाके पड़ा है। अच्छा। सरिया लोड टेलर पीछे से जो टक्कर मारा है? हाँ, सर, ट्रेलर है। हाँ, टेलर इसको मारा पीछे से, तो ये जो है ना पलट गया। इसके बाद पलटते पलटते ऐसा हुआ, और एक फोर व्हीलर था वो चला गया। फोर व्हीलर का भी यहाँ पे नुकसान हुआ? हाँ, फोर व्हीलर को अभी लेके गया। अभी लेके गया? मतलब तीन तीन गाड़ी का ट्रक हुआ था वैसा हुआ? हाँ हाँ, तीन तीन गाड़ी, वही टेलर जाके आगे में जाके वहाँ साइड में पलट गया। क्या बोले? बाइक भी है? बाइक भी हुआ था? दो को बाइक भी। बाइक वाला को कुछ नुकसान हुआ क्या? नहीं नहीं, सब ठीक है। सब ठीक है। हाँ। कैसे होता है ये घटना, कुछ पता हुआ? आगे भी हुआ है। आगे भी हुआ है? हाँ। इसे रामगढ़ घाटी में इतना एक्सीडेंट कैसे होता है? पता नहीं। अरे घुमाट होता है, कैसे नहीं होगा? घुमाट है तो क्या चौड़ीकरण का कमी है क्या यहाँ पे? पता नहीं। चौड़ीकरण रहेगा तो और भी हो सकता है ना भैया? चौड़ीकरण रहेगा तो और भी हो सकता है, क्या कि दूर दराज आता है ब्रेक, उसमें जो एयर रहता है वो लीकेज हो जाता है, चाहे कुछ। वो कौन है? ट्रांसपोर्टर साहब। कहीं पे डाउन है, कोई नया ड्राइवर है तो उन लोग को पता नहीं चलता है कि कितना डाउन है, इसी वजह से होती है। चलिए, कुछ ट्रांसपोर्टर साहब भी आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि उनसे भी थोड़ा कुछ जानते हैं क्या कुछ सिचुएशन रहता है। आप लोग तो बहुत अनुभवी इंसान होते हैं सर। नहीं सर, कैसे, हम अनुभव नहीं है हम लोग के कैसे पास? ऐसे एक्सीडेंट हो जाता है? ट्रांसपोर्टर साहब हैं आप। अब एक्सीडेंट तो ड्राइवर ही बताएगा ना कैसे होता है, हम लोग तो भैया लोड कराए, गाड़ी भेज दिए। अब उसके आगे का क्या होता है वो ड्राइवर बता पाएगा। प्रॉब्लम था क्या? गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये गाड़ी आपका है क्या? गाड़ी मेरा नहीं है, मार्केट से लिया हुआ है। अच्छा, मेरे थ्रू लगता है गाड़ी। आपके थ्रू लगता है? तो सुबह सुबह का समय तो जैसे ड्राइवर को सुबह में तकरीबन 5:30 बजे के आसपास में ड्राइवर से बात हुआ था, उससे मैं वो टोल नाका पार कर रहा था। अच्छा। बोला सर आधा घंटा में हम पहुँच जाएंगे। अच्छा। आधा घंटे में, एक घंटा के बाद डिस्ट्रीब्यूटर फ़ोन किया कि भैया गाड़ी नहीं पहुँचा है। तो हम लोगों ने फ़ोन किया, मेरा भी फ़ोन पिक नहीं किया ड्राइवर, लास्ट में पार्टी का फ़ोन पिक किया तो बोला सर हम एम्बुलेंस में हैं, एक्सीडेंट हुआ है, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो फिर हम लोग ज़्यादा चोट तो नहीं आई ड्राइवर को? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, पानी चढ़ रहा है, कहीं नज़दीकी किसी हॉस्पिटल में है, अब यहाँ से फ्री होते हैं तो जाते हैं वहाँ। चलिए, तो देख सकते हैं पूरा माजरा है। मतलब इसको टक्कर मारने के पीछे और तीन गाड़ियाँ हैं, एक ट्रेलर है, दो बाइक है, एक बोलेरो था शायद से, वो निकल पड़ा है। क्या कुछ माजरा है देख सकते हैं, एक बार जूम करके दिखाएँ सोनू जी, पूरे गाड़ी का सिचुएशन को दिखाएँ, समझाएँ कि कैसे ये पूरा का पूरा माजरा कैसे क्या हुआ है वो दिखाएँ, पूरा हालत दिखाएँ। ड्राइवर अभी एडमिट है हॉस्पिटल में, पानी स्लाइन हो रहा है, और क्या कुछ सिचुएशन यहाँ पे बनी है उस चीज़ को थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। इसमें सोयाबरी लोड था इस गाड़ी में, रांची से रामगढ़ की ओर जा रहा था, सुबह का 7 बजे का समय था। इस घटना को जो घटित हुआ है वो सुबह 7:30 बजे लगभग, सुबह 7 बजे के आसपास हुआ है। क्या कुछ माजरा पूरा आप देखें, और ज़रा एक चीज़ बताएं आप तमाम दर्शक कि ऐसे इस तरह का एक्सीडेंट्स ऐसे घाटी में होता कैसे है, क्या है रीज़न? नमस्कार, जय हिंद।